तो दोस्तों स्वागत है। बता दें कि एयरटेल का भी तरफ से जो है ना 5G की शुरुआत हो चुकी है, और बिहार में एयरटेल का शुरुआत 5G कब आ रहा है ये हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसका कल ही आपको ऑफिशियल साइट की तरफ से आपको घोषणा किया गया कि एयरटेल 5G का शुरुआत कर दिया गया है। तो वो हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार में कहाँ कहाँ पर आपको एयरटेल 5G का सुविधा शुरू किया गया है। तो जैसे सब देख रहे हैं, ये एयरटेल का ही साइट है और देख सकते हैं एयरटेल का आप इसमें पूरा सब केबल सब है। इसमें हम आपको टोटल बताएंगे कि एयरटेल का शुरुआत कहां से हुआ है, 5G का कहां कहां पे पटना में कहां पे हुआ है और कहां किस किस जगह पे लोकेशन पे ये शुरू हुआ है। तो सारा कुछ हम आज आपको बताने वाले हैं। तो जैसे बता दें कि एयरटेल 5G को अभी जो बिहार में 5 जगहों पर शुरू किया गया है। 5 जगहों में सबसे पहले एयरटेल 5G की जो है पटना में साहिब गुरुद्वारा पटना, रेलवे स्टेशन डाक बंगला चौराहा, मौर्यालोक, बेली रोड, बोर्डिंग रोड, सिटी सेंटर मॉल, पाटलिपुत्र और औद्योगिक क्षेत्र में इसको सबसे पहले वहाँ पे शुरू किया गया है। ठीक है, अगर आप अगर वहाँ के आसपास से हैं तो आपको उसके लिए आपके पास में 5G मोबाइल होना चाहिए। और बैंड की बात करें तो देखिए, जो भी आप लोग मोबाइल ले रहे हैं 5G के लिए, लेकिन 5G हर कोई के पास मोबाइल है, लेकिन ऐसा नहीं है सब कोई 5G का आनंद ले पाएंगे। और आपको बता देते हैं, तो ऐसे हम आपको हालांकि बता दें कि जो नोटिफिकेशन है, तो वो नोटिफिकेशन हम आपको बताएं। अगर आपको अगर 5G की स्पीड अगर चाहिए तो आपको सबसे पहले बैंड की आपको जानकारी होना चाहिए। जो आपका मोबाइल है वो मोबाइल कितना बैंड का सपोर्ट कर रहा है 5G सिग्नल को रिसीव करें, तब आप अपने मोबाइल में 5G का आनंद ले पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये एयरटेल का साइट है, यहाँ पर अभी काम चल रहा है। ठीक है, अभी ये देख सकते हैं, तो हम आपको पहले वीडियो में दिखाएँ, यहाँ पर अभी काम चल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे शेयरिंग साइड है, यहाँ पे ये जियो भी है और एयरटेल का भी यहाँ पे है। ये एयरटेल का BMS रूम है, मैंने उसका सर्वर का ये रूम है, और यहीं से हो सकता है कि आपको और भी तमाम जगहों पे आपको 5G का सुविधा मिलेगा। ऐसे कि हालांकि 5G को कई जगहों पे इंडिया के भारत के कई जगहों पे शुरू कर दिया गया है एयरटेल का, जैसे बता रहे वाराणसी में हो गया है। जैसे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये उनका डिस्कस था हमसे, एक सवाल भी आ रहा है कि ये कब तक आ जाएगा बिहार में। तो बिहार के जो लोग हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि पटना में आपको शुरुआत हो गया है। और रह गया बात जियो का, तो जियो का नेक्स्ट वीडियो आएगा, देख लीजिए कहाँ कहाँ पे ये शुरू आपको हो सकता है और कहाँ कहाँ पे उसका आप आनंद ले सकते हैं। और जियो का देखिए, हालांकि इस पर जियो पे अभी काम चल रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको एयरटेल का ही मिला है। तो अधिक जो भी जानकारी चाहिए हम आपको देंगे, टेलीकॉम सेक्टर की जो भी जानकारी है वो हम आपको सबसे पहले हम आपको देते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि और जो जगह है उसके बारे में हम बता दें कि अभी जो हम करेंट आपको बता रहे हैं डायरेक्टली ऑफिशियली जो आया हुआ है, तो एयरटेल 5G का जो है आपको सबसे पहला जो सर्विस आपको मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, सिलीगुड़ी, वाराणसी, नागपुर में उपलब्ध करा दिया गया है। 5G यूजर्स को करीबन जो 5G यूज़र है करीबन वहाँ पर 1 मिलियन यूजर्स अभी तक कनेक्टेड हो चुके हैं पूरे भारत में 5G का। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड की जहाँ तक बात करें तो स्पीड भी बैंड के हिसाब से है, काफ़ी अच्छा स्पीड भी एयरटेल का भी मिल रहा है। तो सो चीज़ है, आप लोग को जो भी अगर जानकारी हो चाहे जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे बेशक आप हमें पूछ सकते हैं। अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी काम चल रहा है, आप हमारा हमेशा वीडियो जो देखते हैं तो वीडियो आपको रहता है। आज हमको यही जानकारी था कि सोच रहे हैं कि आप लोग को आज सामने चल के बताएँ, और जो भी आपको जानकारी चाहिए वहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उससे जानकारी हम आपको शेड्यूल हम आपको देंगे, कोई भी डाउट होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रत्येक साइड पे विजिट करते हैं, प्रत्येक इक्विपमेंट के बारे में हम आपको 1-to-1 बताते हैं कि ताकि आपको कोई भी चीज़ का अधूरा ज्ञान ना हो, सही जान पाएँ समझ पाएँ। इसके लिए हम आपको हर एक चीज़ के बारे में, हर एक डिवाइस के बारे में बताते हैं। देखिए, करना या नहीं करना वो अलग की बात है, लेकिन हर चीज़ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। आप हर चीज़ के बारे में जानते ज़रूर होंगे, लेकिन बहुत सारा कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है, और जानना हर चीज़ के बारे में ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कभी भी किसी मोड़ पे किसी भी समय पे अगर कोई क्वेश्चन अगर कोई कर दे, चाहे कोई बात कोई कहे, जिस चीज़ की जानकारी हो आप उस जानकारी को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए सही होगा। तो जानकारी कोई भी चीज़ हो उसका अवश्य लीजिए, कहीं से भी कोई भी जानकारी हो उसे ज़रूर लीजिए। इसी तरह का जो भी जानकारी है, टेलीकॉम सेक्टर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी जानकारी रहता है हम आपको देते हैं बताते हैं। और जियो का जो है वीडियो मेरा बहुत जल्द आएगा, जिसको कहां कहां पे लॉन्च किया गया है और कहां कहां पे आप उसका आनंद ले सकते हैं इसका भी हम आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।